अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। उम्मीद है कि इस ट्रिक के जरिए बहुत से दोस्त जिन जो के विंडोज का पासवर्ड भूल जाते हैं या किसी वजह से जो भी वजह हो भूल जाते हैं, वो इस ट्रिक के बाद बहुत आसानी से खोल सकेंगे। इसमें और ये इसमें ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो कि इससे कोई गलत फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। खैर, इतना वक्त तो नहीं होता गलत उसके लिए, लेकिन ये है कि एक तंबीह है कि इसका कोई गलत गलत फायदा ना उठाए। तो उमूमन जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मुख्तलिफ वीडियोस में दिखाए जाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर, ये ट्रिक, वो ट्रिक, लेकिन एक भी काम की नहीं होती। मैंने भी बहुत आजमाया, बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर एक अपने ही कंप्यूटर पे तजर्बा किया और उसमें मुझे कामयाबी भी मिली, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता जाऊं। तो जब पासवर्ड नहीं हो तो इस तरह की स्क्रीन आती है आपके पास, तो इस तरह थोड़ा सा मैंने इसमें इंग्लिश में भी करने की कोशिश की है गूगल से कॉपी कर करके। तो साथ में मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बता देता हूँ। द इजिएस्ट वे टू ओपन विंडो पासवर्ड, बट ओनली फॉर देम हु डू नॉट रॉन्ग यूज इट, सिर्फ उनके लिए जो गलत इस्तेमाल ना कर सकें। आई ट्राइड मैनी वेज, मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए, ऑल वर रॉन्ग, सब के सब गलत है। आई एम गोइंग टू टेल यू विच वे इट इज वेरी इजी। तो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि कौन सा रास्ता है जो कि बहुत आसानी से आपका ये मसला हल कर सकता है। फर्स्ट यू शुड हैव ए विंडोज सीडी 64 बिट्स एंड 34 बिट्स सपोर्टेड। और सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए वो विंडो जिसमें सीडी 32 बिट्स और 64 बिट्स दोनों को सपोर्ट करे। उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास थर्टी, क्योंकि जब पासवर्ड लगा होता है तो हर कोई ये नहीं जान सकता, उसको तरीका बहुत मुश्किल है कि कौन सी विंडो उसके अंदर पहले से इंस्टॉल है। इसका ये तरीका कि सीडी लगा के आप देख लें। तो इसलिए वो दो, क्योंकि अगर हमारे पास 32 होगी तो हम 64 उसमें इंस्टॉल करेंगे। इफ योर विंडो इज 32 बिट, सो वी विल इंस्टॉल 64 बिट। कीप ऑन दी फर्स्ट, तो स्टार्ट इस तरह करेंगे। ये तो ज्यादातर दोस्तों को मालूम ही होता है कि किस तरीके से फर्स्ट बूट डिवाइस को सीडी रोम पे किया जाता है। कीप ऑन दी फर्स्ट बूट डिवाइस ऑन सीडी ना डिवाइस सीडी, नाउ एंटर सीडी, कीप ऑन दी फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी रोम, इधर लिख देता हूँ। नाउ एंटर सीडी, उसके बाद आप सीडी इंटर करें। जब फर्स्ट बूट डिवाइस करने के बाद आप सीडी इंटर करें, व्हेन द सिस्टम बूट फ्रॉम द सीडी एंड देन एंटर एनी की टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन। जब आपकी सीडी के जरिए से सिस्टम उठाएगा, उसको बूट करेगा, तो उसके बाद आप कोई भी की दबाएंगे, स्पेस दबा देंगे या जो भी इंटर दबा देंगे, तो फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। वेल इंस्टॉलेशन विल स्टार्ट सिलेक्ट एनी वर्सन ऑफ विंडो। जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो उसकी विंडोज सिलेक्शन का जो आएगा कि 64 बिट, अगर आपके पास डबल सीडी है तो उसमें दोनों आएंगे, अगर सिंगल सीडी है तो सिंगल आएगा, तो उसमें दोनों किस्म के वर्जन होंगे। तो आप उसमें सिंपली ये है कि 64 पे ही क्लिक कर दीजिएगा और फिर बट नॉट सिलेक्ट द सेम सेम वर्सन बिफोर इंस्टॉल वर्सन बिफोर इंस्टॉल इन सिस्टम। मतलब ये है कि जो आपके पास, आपको ये तो मालूम होगा कि उसके बाद आपके पास कौन सी विंडोज है, विंडोज अल्टीमेट है, विंडोज प्रोफेशनल है, या तो आप अगर उसमें तो सामने दिख रहा होता है कि प्रोफेशनल है अल्टीमेट, अगर प्रोफेशनल है तो अल्टीमेट करें या तो कोई होम और कर लें। देन यू कैन सिलेक्ट एनी ड्राइव, बिकॉज वेन यू सिलेक्ट एनी ऑफ वो योर ड्राइव पार्टीशन यू सी सेम मैसेज स्क्रीन, स्क्रीन मीन योर ओल्ड विंडो इज कन्वर्टेड। तो ये हम यहीं पे देख लेते हैं। तो इसकी मैंने पिक्चर यहाँ पर रखी हुई है,
ये इसकी पिक्चर है, इसको थोड़ा जूम कर लें। जब आप इस तरह कोई भी पार्टीशन, चाहे आप सी करेंगे या डी करेंगे, एक मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बता दूं, थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी कर लूं खुद की। कन्वर्ट इट इन विंडोज ओल्ड फॉर व्हेन यू ओके दिस, व्हेन यू ओके दिस इंस्टॉलेशन कंटिन्यू सेम लाइक नॉर्मल। व्हेन योर विंडो इंस्टॉल यू विल नो नॉट फॉरगेट टू प्रे फॉर मी, एंजॉय हैप्पी। बहरहाल ये जब हम कर लेंगे, इसके बाद इसमें ये मैसेज लिखा हुआ आएगा, उसमें मैसेज भी पढ़ लेते हैं। द पार्टीशन यू सिलेक्टेड माई कॉन्टेंट फाइल फ्रॉम अ प्रीवियस पर्सन प्रीवियस प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन। इफ इट डज दिस फाइल्स एंड फोल्डर्स विल बी मूव टू फोल्डर नेम विंडोज ओल्ड। वो सब के सब जो कि आपके पुराने फोल्डर होंगे, वो विंडोज जो से आप न्यू इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे, आप चाहे सी में करेंगे या डी में करेंगे। हाँ, इसके लिए ये मालूम होना, जब आप उसमें देखेंगे तो जिसमें स्पेस ज्यादा हो आप उसी में इंस्टॉल कीजिएगा, बाद में आप उसको अपना डेटा रिकवर करके दोबारा भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली फोल्डर नेम विंडोज ओल्ड, यू विल बी एबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इन विंडोज ओल्ड, बट यू विल नॉट बी एबल टू यूज योर प्रीवियस वर्सन ऑफ विंडो। इसमें ये होगा कि जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपकी चीजें हैं, वो सब की सब एक विंडो फोल्डर ओल्ड के नाम से उसमें सेफ हो जाएंगी। सेफ होने के बाद आप उसको जब विंडो दूसरी आप इंस्टॉल जब ओके करेंगे तो विंडोज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, और जब इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद जितनी भी चीजें आप उसको कवर करके, अपनी इंफॉर्मेशन कवर करके आप दोबारा विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर डिस्क में स्पेस है तो कोई मसला नहीं, वो विंडो पड़ी भी रहे, उससे कोई भी आपकी किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं होगा, एक सेम न्यू विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे और इसको अप्लाई करेंगे, तो आपको किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर या इधर उधर ट्रिक में जाने की कतई जरूरत नहीं है। ओके, आप दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।